रायबरेली के नाम से बनी फिल्म के ट्रेलर लॉन्चिंग पर पहुंचे राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। फिल्म का नाम रायबरेली। जनपद रायबरेली में स्पर्धाओं की कमी नहीं है। रायबरेली से सुधा सिंह ने एथलीट में जनपद का नाम रोशन किया, तो वहीं रायबरेली के निवासी क्रिकेटर आरपी सिंह ने भी जनपद का नाम रोशन किया। और फिल्म जगत की बात कर ले तो रायबरेली में फिल्म जगत के नाम से जाने वाले गौरव कुमार ने एक नई फिल्म की लॉन्चिंग की है, जिसका नाम रायबरेली दिया गया। आपको बता दें, आज जनपद रायबरेली के जिला पंचायत सभागार में एक कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां फिल्म का नाम रायबरेली दिया गया। इस दौरान फिल्म के ट्रेलर लॉन्चिंग पर स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री पहुंचे दिनेश सिंह, जहां उन्होंने फिल्म की तरह अन्य जनपदों में भी इस तरह की फिल्मों के निर्माण पर मंत्री ने जोर दिया और कहा, रायबरेली के गौरव ने बढ़ाया रायबरेली का गौरव। दरअसल बता दें कि जो फिल्म रायबरेली के नाम से बन रही है, उसमें विलन की भूमिका गौरव कुमार निभा रहे हैं, जिसमें एक जबरदस्त विलेन की भूमिका निभाते हुए गौरव कुमार नजर आएंगे। वहीं जरा ने यह भी कहा गया कि सोनिया गांधी के रायबरेली न आने पर कहा कि इस बार जनता उन्हें इसका करारा जवाब देगी। फिलहाल रायबरेली के नाम से लॉन्च हो रही फिल्म रायबरेली के ही गौरव विलेन के रूप में नजर आएंगे और फिल्म बड़ी ही रोचक और एक्शन से भरपूर रहेगी। फिलहाल फिल्म के रिलीज होने पर ही पता चलेगा फिल्म कितनी सुपरहिट हुई है। अंशु श्रीवास्तव, मंडल क्राइम ब्यूरो चीफ, लखनऊ। मैंने जो भी जीवन जिया है रायबरेली में जीवन जिया है, इसलिए रायबरेली से शुरुआत हो रही है, इसलिए मैं जरूर खुश हूँ। कम से कम रायबरेली की माटी से कोई निकल करके इस क्षेत्र में भी रायबरेली के सम्मान को बढ़ा रहा है, रायबरेली के नाम को बढ़ा रहा है। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इस फिल्म के लॉन्च के अवसर पर उन लोगों का जो रायबरेली के लोग सम्मिलित होकर के राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रायबरेली का सम्मान और नाम दोनों बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं खुश होऊंगा कि रायबरेली के साथ साथ उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में ऐसी प्रतिभाएं निकल के आए तो अपने अपने जनपदों का सम्मान तो ये बढ़ाएं। लेकिन क्योंकि ये विषय हमारे नहीं है, मैं समाज सेवा से जुड़ने चुका हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि उत्तर प्रदेश के हर जनपद से ही ऐसी प्रतिभाएं निकल सकती हैं, लेकिन रायबरेली से निकली, इसलिए मैं रायबरेली के लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, खासतौर से गौरव जी का और सभी उनके साथियों का जिन्होंने इस फिल्म को बना करके रायबरेली जनपद के सम्मान को बढ़ाया है। रायबरेली के गौरव ने रायबरेली का गौरव बढ़ाया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता। रायबरेली एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और उसमें सोनिया गांधी राहुल गांधी भाग ले रहे हैं, फिल्म का प्रमोशन का अवसर है, बेहतर होता राजनीति को छोड़ कर। लेकिन रायबरेली की बात है, सोनिया गांधी अभी तक रायबरेली नहीं है। अगर रायबरेली नहीं आई तो ये काम रायबरेली की जनता देखेगी ना, और जनता देख रही है, अवसर आएगा तो जनता जरूर इसका जवाब देगी। मैं ना तो सोनिया गांधी का आज की तारीख में बताऊंगा कि मैं उनसे कह दूँ कि नारा दूंगे, तो जब भी आएगा अपनी पार्टी का काम करूंगा। सोनिया गांधी ने जो किया है वो सोनिया गांधी करेंगी, भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उसका भारतीय जनता पार्टी को हित लाभ सम्मान वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मंत्री जी, फिल्में देखना पसंद करते हैं? बिल्कुल नहीं, मैंने अपने जीवन में एक फिल्म कभी जब कक्षा 8 की परीक्षा देकर के निकला था तो बचनामा में एक टेंथ में पिक्चर हॉल चलता था, उसमें लगी थी पिक्चर विधाता। मेरे जीवन की पहली और अंतिम फिल्म होगी जो मैंने पिक्चर हॉल में देखी है, और किसी अगर कभी कसम तो नहीं खा सकते, अगर पिक्चर हॉल जाना भी हुआ होगा तो 15 मिनट के लिए गया होगा और खाली किसी का मन रखने के लिए लौट आया होगा, बाकी मैंने कभी पिक्चर नहीं देखी है। मैं समाज सेवा से विशुद्ध रूप से जुड़ा हूँ और जो भी मेरे पास समय मिलता है रायबरेली वासियों, उत्तर प्रदेश वासियों, देशवासियों की सेवा में हमेशा लगा रहता हूँ। और यह जरूरी नहीं कि कोई हर प्रतिभा का धनी व्यक्ति हो, मेरे अंदर एक प्रतिभा है जिसके कारण रायबरेली हमको सम्मान दे रहा, गौरव जी के अंदर एक प्रतिभा है जिसके कारण हमको सम्मान। बहुत ज़्यादा खुश हूँ करने का अलग हमारे शहर के लिए कुछ कर सकूँ, नज़र आ रहा है। ये रायबरेली फिल्म बना रहे हैं तो क्या है इसमें ऐसा कि रायबरेली नाम है? रायबरेली का रायबरेली के रहने वाले हम, तो रायबरेली का बात यह था कि अपने शहर को देश विदेश तक पहुँचा रहे हैं, फिल्म के माध्यम से आप देश विदेश तक भारतीय संस्कृति के बारे में सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, करने में
को छोटे दादा जी बहुत उनका बहुत साथ रहा हमारे साथ नीत जी का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे कि वो अगर ये सब ना होते तो मैं ना कर पाता तो वहाँ मज़ा आ रहा और चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको गौरव जी हर फिल्म एक संदेश देती है समाज में आपकी फिल्म समाज में क्या संदेश दे रही है क्या इसमें बहुत अच्छा संदेश था कि हर डॉन बुरा है मतलब डॉन लोगों को पता है डॉन होता है कि वो गलती होगा इसमें बहुत सही दिखाया गया और माँ अच्छी माँ कुछ भी करा सकता है मतलब मोटा मोटी अभी ऑनलाइन में बता रहा हूँ बहुत मज़ा आने वाला फुल एक्शन धमाल धमाल से भरी हुई ये आपकी फिल्म कहाँ का रिलीज हो रही है किले और इंडिया को रिलीज करेंगे और बहुत जल्द हम लोग लगभग नवंबर में हम लोग नवंबर में लोग और इंडिया रिलीज करेंगे फैमिली से कुछ कलाकारों को लेकर आया से बहुत से कलाकारों जिसमें कि हमारे दिनेश प्रताप दिया है हमारा एक छोटा बचपन का रोल किया गया होता है कृष्णा है मकसूद भाई हैं हमारे राज हैं और विकास मतलब लाइब्रेरी के कलाकारों को बहुत मौका दिया जा रहा है।